देख रहे हैं जनता की आवाज टीवी न्यूज। दर्शकों, जनता की आवाज टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भिवंडी की कुछ खास खबरों। भिवंडी के बंगालपुरा इलाके में यूनिवर्सल लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर का उद्घाटन खादिमुल उलमा अल्लामा वकार अहमद अजीजी व भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष ग्यासुद्दीन अंसारी के हाथों किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन असुफा एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अंसारी नदीम, उप अध्यक्ष मोमिन हाशिर, जनरल सेक्रेटरी अंसारी काशिफ और अन्य मेंबरों ने किया। यहाँ आए हुए मेहमानों का स्वागत असुफा एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्यों ने गुलदस्ता देकर किया। लाइब्रेरी का उद्घाटन तिलावत कलाम पाक से किया गया। असुफा एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अंसारी नदीम ने ट्रस्ट के अगराज व मकासिद बयान। हम लोगों ने हमारे जो ग्रुप के जितने भी दोस्त अहबाब थे और जो हमारे एज ग्रुप के लोगों थे, लोगों ने मिलकर असुफा एजुकेशन ट्रस्ट को कायम किया। ये ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। इसका अगराज व मकासिद सरसरी तौर पर मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहूँगा। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए अपनी कोशिश करना, हमारे इरादों में स्कूल कॉलेजेस भी हैं जो अल्लाह ताला इन तमाम इरादों को, हमारे इरादों को पूरा फरमाए। इसके अलावा जो छोटे बड़े तालीमी सेमिनार, क्विज कंपटीशन और एजुकेशनल वर्कशॉप मुनक्किद करना जो है, ये हमारे मकासिद में शामिल है। हमारा एक ख्वाब है कि लोग भिवंडी को मैनचेस्टर के नाम से भूल जाए, अब जो है मैनचेस्टर को भूल जाए और अगर भिवंडी को याद किया जाए इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में। असुफा एजुकेशन ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट मोमिन हाशिर ने मेहमानों का तारुफ पेश किया और शुक्रिया की रस्म अदा की कि आप सब अपनी मसरूफ जिंदगियों से वक्त निकाल कर हमारी दावत पर लबैक कहा और यहाँ हाजिर हुए। एक बार फिर मैं आप सबका और हमारे मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुद्दे पर आता हूँ और मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब ग्यासुद्दीन भाई, जो कि एनसीपी के प्रेसिडेंट है भिवंडी वेस्ट जोन के, और उनसे मैं चाहूँगा कि वो माइक पर आएं और अपने तासुरात आपके सामने पेश करें। तो इस्तकबाल कीजिए ग्यासुद्दीन अंसारी साहब का। सबसे पहले मैं ये यूनिवर्सल लाइब्रेरी व स्टडी सेंटर को स्टडी सेंटर के अंसारी प्रेसिडेंट अंसारी नदीम और वाइस प्रेसिडेंट मोमिन हाशिम और जनरल सेक्रेटरी अंसारी काशिफ और उनके तमाम सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्हों इन लोगों की काफ़ी मेहनतों से जो एक छोटी सी लाइब्रेरी बड़ी लाइब्रेरी में बदल गई है, इसलिए मैं इन लोगों को दिल से गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये लाइब्रेरी इनकी पिछले छः साल से समाज की खिदमत कर रही थी, मगर आज इसी लाइब्रेरी को इन लोगों ने अपने मेहनत और मशक्क़त से बड़ी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है। और इस लाइब्रेरी की दोस्तों खासियत ये है कि इस लाइब्रेरी में दीनी किताबों से लेकर दुनिया की सारी किताबें मौजूद हैं और आप सभी लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, वो भी न्यूज़पेपर के जरिए यहाँ पर जो है आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों, ये आज ये लाइब्रेरी को मैं मुकम्मल लाइब्रेरी की नज़र से देख रहा हूँ और इनके जो कारकुन हैं दोस्तों, वो लोग भी बहुत मेहनत और मशक्कत से जो है इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभी उन्होंने, इनके प्रेसिडेंट्स ने बताया
कि ये लाइब्रेरी अंडर रजिस्टर्ड है। अगर अंडर रजिस्टर्ड ये लाइब्रेरी है तो अगर ये लोग हर साल ऑडिट कर रहे होंगे इसका, तो इनको वो दिन दूर नहीं जबकि गवर्नमेंट का ताउन इनको मिलेगा और इस छोटी सी लाइब्रेरी को बड़ी लाइब्रेरी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।